फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हायर एरिया। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि भैया ईबुक कैसे बनाएं। ठीक है, ईबुक बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है। आपको कुछ ऐसे ना करना हो कि आप वर्ड में पहले उस चीज़ को अरेंज करें, फिर उसको वर्ड में डाउनलोड करें, फिर कहीं पीडीएफ वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर करें, इस तरीके का ढांढस ना हो। ठीक है, इसमें मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है, एकदम जेन्युइन वे है, बिल्कुल इजी, ठीक है, जिससे आप ईबुक बना लोगे। ठीक है, तो ईबुक होता क्या है। ईबुक एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बुक, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, मीन्स कि कुछ डॉक्यूमेंट लाइक किताब, बुक की तरीके से जैसे बुक होता है ना, वैसे ही ये ईबुक होता है। आप इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में ही ईबुक कहीं पे भी किसी को शेयर किया जाता है। ठीक है, सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स को अरेंज जो करते हैं ना हम लोग पीडीएफ के अंदर, उसी को भाई जो ईबुक कहते हैं। ठीक है, तो भाई ईबुक को अब बनाएंगे कैसे, सो इस वीडियो में आप वही देखने वाले हो। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पे भैया पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड छोटे छोटे बड़े बड़े जो कुछ भी फ्री जो टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होता है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, लाता हूँ। ठीक है, काफ़ी वीडियोज ऑलरेडी हमने इस पर बना रखे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीए मार्केटिंग, बहुत सारे देख लो आप, सब हेल्पफुल है भैया। ठीक है ना, सारा सारा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हर एक वीडियो में 100% जो कुछ भी जो कोई भी वीडियो उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आगे आने वाले और भी वीडियोज आपको मिलते रहें। ठीक है, आपके होम फीड पे टहलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखते हो उसको, लिखो, लिखना पड़ता है, अच्छे से अरेंज करना पड़ता है, फिर उसको छपवाना पड़ता है, तब जाके किताब पब्लिश होती है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ अगर आपको अपनी पर्सनल चीजें भी लिखनी है ना बॉस, तो आप उसको लिखो, और कैसे लिखो ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपको अपनी कोई जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एक ऑनलाइन मान लो कीजिए मुझे ऑनलाइन जो भी टिप्स हैं 15 टॉप टिप्स आपको देने हो एफिलिएट मार्केटिंग के। ठीक है, 15 फ्री आपको वेबसाइट बताने हो कि किस तरीके से कैसे अपलोड करते हैं उस पर प्रोडक्ट को, ये सारा चीज़ अगर हमें लिख के बताना हो तो वो चीज़ें मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, ईबुक के थ्रू। ठीक है, अब चलिए ज़्यादा टाइम को लॉस ना करते हुए सीधा चलते हैं और सीखते हैं कि ईबुक कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो ईबुक आप चाहो तो फ्री में भी ईबुक डाउनलोड कर लोगे, आईडी वहाँ काफ़ी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहाँ से फ्री ईबुक डाउनलोड कर लोगे। ठीक है ना, उसको पब्लिक वो किसी और के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हो कि इन सब वेबसाइट्स पे आपकी भी ईबुक्स आए तो उसको आप किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, आप वो सब छोड़ दोगे, यहाँ से गए वहाँ से गए ईबुक्स बना लिए, देखो उसमें कॉपी राइट्स वाले सिस्टम आ जाते हैं भैया। ठीक है, किसी और का ईबुक उठाया, उसमें आपने कंटेंट वंटेंट थोड़ा सा एडिट वगैरह किया, जो भी वेबसाइट यूआरएल्स वगैरह वहां पे देने आपके एफिलिएट प्रोडक्ट या फिर सीपीए प्रोडक्ट को, उसको मेंशन किया और उसको सीधा इन सारे वेबसाइटों पे जो आपको वेबसाइट दिख रही हैं, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहां पे आप अपलोड कर दोगे भैया। ईबुक को आप बेच भी सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे अपने ईबुक को आपको सेल करने एक रुपया खर्च ना करते हुए, वो भी दुनिया के नंबर वन वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करना है, सबके पास गूगल अकाउंट होता है भैया। ठीक है, गूगल अकाउंट मीन्स जीमेल का अकाउंट होता है। ठीक है ना, जीमेल का अकाउंट अगर आपके पास है तो काफ़ी कुछ इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है ना, सो आप गूगल पे क्या करोगे, जीमेल ओपन करोगे। सबसे पहले आप तो अपना जीमेल ओपन कर लेना। ठीक है ना, चलो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो पहले आप अपना जीमेल ओपन कर लेना। ठीक है, जीमेल जैसे आप ओपन करोगे,
या फिर जीमेल ओपन करो या ना करो, आप गूगल क्रोम ओपन कर लेना, उस पर अपने ईमेल आईडी से गूगल क्रोम को लॉगिन कर लेना, ठीक है। और ये जो ऐप्स वाला बटन दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद करोगे क्या, ये जो डॉक्स दिख रहा है, ठीक है, डॉक्स, इस पर क्लिक करोगे। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो भैया कहाँ पहुँचोगे आप, ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, ठीक है ना। ये क्या है, ये डॉक्स है, ठीक है ना, डॉक्स पे पहुंचोगे आप यहाँ पे, ठीक है। सो देखो, ये मैंने ऑलरेडी बनाया आपको दिखाने के लिए, भी मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो देखो भाई, ये देखो हमने ये कितना सुंदर बना रखा है, ठीक है ना, आपको दिखाने के लिए। ये एक प्रोडक्ट प्रमोट मैं कर रहा हूँ, उसको मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। उसके लिए मैंने इसको बनाया है, मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास तक पहुंचाया जाए कि किस तरीके से आप ई बुक क्रिएट कर लोगे, ठीक है। सो भैया, ई बुक क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, ई बुक क्रिएट करने के लिए एक आपको चाहिए क्या, एक बड़ा सा इमेज, बढ़िया वाला, ठीक है, देख लो। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद से आप नए फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपने देखा। अगर मैं एक बार और बैक कर दूं, ठीक है, तो आपको दिखा दूं। डॉक्स पे जब क्लिक करोगे फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप जो होगा आपका, ये जो ब्लैंक वाली चीजें दिख रही है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे मान लो इसको मैंने ओपन इन न्यू टैब ओपन कर लिया, या फिर चलो छोड़ो, आप क्लिक कर लोगे, जैसे क्लिक करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का फाइल ओपन हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी इसमें लिखा पढ़ा होगा नहीं होगा, ठीक है ना भाई। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने जो भी आप उस ई बुक का नाम देना चाहते हो, उस फाइल का, उस डॉक्स का नाम देना चाहते हो, उस डॉक्स का नाम दो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक हेडिंग यहाँ पे लिख लो टाइटल के साथ, मतलब वही टाइटल आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है, हेडिंग लिख लो। फिर उसके बाद से आप चाहोगे तो यहाँ से इमेज लगा सकते हो, ठीक है ना, ये चाहोगे क्या, इमेज लगाना ही लगाना होता है। सबसे बड़ा इमेज और सबसे बड़ी हेडिंग आपको फ्रंट पेज पे आप इमेज रखना, सेकंड पेज पे आप हेडिंग रख सकते हो, ठीक है। लाइक मैं आपको दिखाई दूं, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया है बुक को, ठीक है। सो हमने क्रिएट क्या किया है, ये वाला ई बुक क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, जैसे आपको बताया ना, मैंने यहाँ पे ये ई बुक बनाया है क्या, मैं एक डेटिंग साइट को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, हाउ टू फाइंड अ हुकअप रिलेशनशिप कैजुअल डेटिंग टिप्स, ओके। सो इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें एक इमेज लगा दिया है, देखो कितना सुंदर सा बड़ा सा इमेज लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इमेज लगाने के बाद से मैंने ये हाउ टू फाइंड कैजुअल रिलेशनशिप, ये जो कुछ भी है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया। उसके बाद से मैं ये सारा अरेंजमेंट कहाँ से लाया हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो क्या है कि जैसे मैं, मेरा डेटिंग से रिलेटेड मेरा ये टॉपिक है, इसमें मैं कुछ 15 से 12 ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ कि जो रियल ऐप है, जहाँ पे इजली लोग एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप, ठीक है। सो यही चीज क्या किया मैंने, इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ मैंने क्या किया, पहले गूगल पे जाके मैं डेटिंग टिप्स लिखा और कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए, ठीक है। ये देखो जो आपको दिख रही है ना, सो यहाँ से मैंने कुछ कट कॉपी पेस्ट किया, इमेज आप यहाँ से फाइंड कर लो। इमेज फाइंड करने के बाद से आपको करना क्या है, ये जो जो कुछ भी है ना, ये आप अपने निच के हिसाब से आप क्या करोगे, आर्टिकल को सिलेक्ट करोगे बॉस, ठीक है। ये देखो, ये आप गूगल पे इसको ओपन कर लोगे या 2-4 वेबसाइट ओपन करके उसमें से आप मतलब कुछ कुछ आर्टिकल्स को काट के समझ के, पहले तो आप समझ लेना कि क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जो भी ऑडियंस इस बुक को देखेगी वो क्या देखेगी, ठीक है। सो अब इस जो मैं ई बुक बनाया हूँ, इस ई बुक को मैं क्या करूंगा, फ्री में प्रमोट करूंगा कि हे गाइस, इफ यू वांट टू
मतलब इफ यू वांट टू हाउ टू फाइंड हुकअप रिलेशनशिप कैजुअल डेटिंग टिप्स सो डाउनलोड द फ्री बुक, ठीक है ना। तो लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है, लोग देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है ना बॉस। सो वही चीज़ें हैं और इसको अपलोड करने के कई जगह हैं, कई प्लेटफॉर्म हैं कि वहाँ पे आप पीडीएफ जो कुछ भी आपका ई बुक होता है उसको आप अपलोड करते हो, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस पीडीएफ, ये जो हम लोग ई बुक बनाते हैं इसके अंदर हम लोग कुछ प्रोडक्ट भी प्रमोट करते हैं। ये देखो, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, मैंने क्या किया है, इस पर लिंक लगा रखा है अपने डीजी स्टोर 24 प्रोडक्ट का। ये देख लो, अमन 24 हमारा लिंक दिख रहा है ना, तो इस पर मैंने ऑलरेडी लिंक लगा रखा है। आप पहले तो अच्छे से इसको आप ये लिख लेना, हेडिंग जो भी टाइटल है, टाइटल लिखने के बाद आप वेबसाइट से ये सारी चीज़ों को कॉपी करके, आप कोई भी चीज़ कॉपी करके नहीं डाल देना, आपको समझ, अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि क्या चीज़ें परफेक्ट रहेंगी आपके टाइटल के हिसाब से, ठीक है। सो उसी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है, मैंने हर जगह पे ना, ये देखो थोड़ा कैची लाइन यूज किया हमने, मेक हिम वर्शिप यू वुमन रिलेशनशिप मॉन्स्टर, ठीक है ना। सो इसको ये थोड़ा कैची लाइन लग रहा है। सो अगर इसको कोई पढ़ते पढ़ते, यहाँ पे नहीं उसने देखा, क्लिक किया यहाँ पे नहीं उसने देखा, यहाँ पे उसने देखेगा तो ये क्लिकेबल लिंक है बॉस, ठीक है, यहाँ पे वो क्लिक कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट इस तरीके से आप एक बाकायदा अरेंजमेंट करके, ठीक है ना, एक आप ई बुक क्रिएट करते हो, आप एक वर्ड डॉक्स क्रिएट करते हो, ठीक है ना। सो इसको क्रिएट करने के बाद से क्या करना है, नॉर्मल सा आपको अब यहाँ से एज ए वर्ड डाउनलोड करके आपको पीडीएफ कन्वर्ट नहीं करना है, आपको नॉर्मल यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हो ना, तो आप यहाँ पे देखो डाउनलोड पे जैसे आप कर्सर को लेके जाते हो, आपको यहाँ पे देखो डाउनलोड में आपको कितने ऑप्शन मिल जा रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, रीच टेक्स्ट फॉर्मेट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, तो आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट में इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको बनाया और पीडीएफ फॉर्मेट में जब डाउनलोड किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है, देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर कोई इस ई बुक को डाउनलोड करता है फिर उसको वो पढ़ेगा कैसे, ऐसे ही जब ओपन होगा उसका पीडीएफ फॉर्मेट के हिसाब से ओपन होगा, ठीक है। तो देखो ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, क्लिकेबल लिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें इजी शो होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है कि भैया आप वेले वर्ल्ड में इसको अरेंज करो, फिर उसको जाके आप पीडीएफ में कन्वर्ट करो, ठीक है, तब जाके आपका एक ई बुक क्रिएट हो पाता है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो देखो ये कितना सुंदर ये दिख रहा है, ठीक है ना। सो इस पीडीएफ को मैं प्रमोट करूंगा। अब इसको आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आज आपने देखा कि भैया पीडीएफ ईबुक, जो ईबुक है उसको आप कैसे क्रिएट करते हो। ईबुक क्या होता है, वो पीडीएफ फॉर्म में होता है ईबुक, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई भी ईबुक बेचता खरीदता है तो वो पीडीएफ फॉर्म में ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक बुक किस में होता है, पीडीएफ फॉर्म में होता है, ओके। आज आपने ये चीज सीखा, कैसे आप पीडीएफ क्रिएट करोगे ये आपने जाना, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहां हम आपको बताएंगे कि इस ईबुक को हमने क्रिएट किया तो क्यों क्रिएट किया, इसका यूज मैं कहाँ करने वाला हूँ, ठीक है, इसमें किस तरीके से मैंने एफिलिएट लिंक को अपने मेंशन करे हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।